Today we will study about what is osteoarthritis. We all know osteoarthritis is a joint related condition. Osteo means bone and arthritis means joint. It is also known as a degenerative condition or wear out tear arthritis. It is also known as a degenerative joint disease. It is called as degenerative condition. Degenerative condition or wear out tear arthritis. हमारा नी जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया हमारी फीमर बोन, ये हमारी टिबिया एंड दिस इज फिबुला एंड ये हो गया हमारा पटेला। ठीक है, जो हमारे बोन्स होती है उनके ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, जो हमारी सभी बोन्स रहती है ये ना हमारे सभी जॉइंट्स पे कार्टिलेज की कवरिंग रहती है, कार्टिलेज की कवरिंग रहती है वो फट जाती है। या फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिजनरेटिव कंडीशन हो जाती है, वेयर एंड टीयर हो जाती है। डिजनरेटिव आफ्टर 50 या वेयर एंड टीयर हो सकता है किसी भी कारण की वजह से, स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर जंपिंग एक्टिविटी पेशेंट ज्यादा कर रहा हो या एथलीट हो कोई, मतलब कुछ भी ओवर यूज करना, जॉइंट्स का ओवर यूज होना, उसकी वजह से जो हमारे बीच में मेनिस्कस रहती है, मेनिस्कस रहते हैं, हमारे बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है एंड कार्टिलेज, ये तीन चीज रहती है जो मिड ऑफ द जॉइंट नी जॉइंट में होती है। तो ये किसी भी कारण, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये फट जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स आपस में रगड़ने लगती है, जॉइंट्स गैप कम हो जाता है, बोन्स आपस में रगड़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेल्पेट करने से दर्द होगा, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, जब भी वो ज्यादा चलेगा तो पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये तो हुआ कॉजेस, किस कारण जो हमारा कार्टिलेज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो सॉफ्ट कुशन प्रोवाइडेड होते हैं घुटनों के बीच में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिस वजह से फिर बोन्स आपस में रगड़ने लगती है और पेन स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। जो कि पेशेंट फील करेगा, सबसे पहले पेन, स्वेलिंग, लेग पेन हो जाएगा, पेशेंट पेन फील करेगा, या तो मीडियल साइड हो सकता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पेशेंट को कभी पीछे भी हो जाएगा, पीछे गांठ टाइप बन जाती है, कभी कभी पटेला के नीचे हो जाता है, जो जंपर्स एथलीट होते हैं, पटेला फीमोरल पेन सिंड्रोम्स वगैरह काफी सारे रीजन है। जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं, रनर्स होते हैं, उनमें सबसे कॉमन है ये। एंड उसके बाद पेशेंट को स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अराउंड द नी जॉइंट, इन्फ्लेमेशन अराउंड द नी जॉइंट। ठीक है, ये उसके बाद इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस जो फील होगी ड्यूरिंग ओनली इनएक्टिव, द पेशेंट इनएक्टिव होगा। स्टिफनेस ओनली ड्यूरिंग इनएक्टिव, जब भी आप ड्यूरिंग मोशन में रहेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे तो उसमें इतनी स्टिफनेस नहीं होगी, जब आप रेस्टिंग पीरियड में होंगे तो ज्यादा स्टिफनेस होगी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी भी मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होगी, पेशेंट को ज्यादातर पेन फील करेगा आफ्टर आपने कोई भी एक्टिविटी की, ओवर यूज किया, उसके बाद स्टिफनेस आएगी, टेंडरनेस। पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी,
जब भी आप पेशेंट को पैल्पेट करके लाइक प्रेशर लगाओगे मीडियल साइड या दबा के देखोगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं वो चीज डिक्रीज हो जाएगी, घुटने को फोड़ने सीधा करने में बहुत ज्यादा पेन होगा। भैया पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड, लास्ट इज पॉपिंग और क्रैकिंग साउंड, दैट इज वी ऑल्सो कॉल्ड क्रैपिटस, पॉपिंग और एक पॉपिंग साउंड, कट कट आवाज आना घुटनों के बीच में, जब भी हड्डियां हमारी आपस में रगड़ेगी तो कट कट आवाज आना, दैट इज कॉल्ड पॉपिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, टेंडरनेस, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, popping or cracking sound, that is called crepitus or bone spurs, and the last one is bone spurs. These are the symptoms with patient, these are the symptoms that can occur during osteoarthritis. So now we will study about what are the risk factor, kon kon jyada risk mein osteoarthritis like kine jyada ho sakta hai, kine apna dhyan rakhna chahiye. So what are the risk factor? सबसे पहले हो गया हमारा एज, लाइक हमारा एज लाइक जो भी 50 प्लस हो गया मोस्टली अफेक्टेड कि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है ज्यादा, बिकॉज जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का वो वीक हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है एंड पेशेंट्स आर मोर अफेक्टिव टू, ज्यादा चांसेस होते हैं मोर अफेक्टिव टू गेट द ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैल्शियम वीक होने से बोन्स वीक हो जाती है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है फर्दर, कौन ज्यादा अफेक्टेड है सेक्स में आ जाएगा, हमारा विमेन्स ज्यादा अफेक्टेड है बिकॉज लाइक कह सकते हैं या तो हमारा मसल्स वीकनेस की वजह से, मसल्स वीकनेस और ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण हो सकते हैं और जिसकी वजह से मसल्स वीक होती है, एंड द लास्ट वन इज लाइक जॉइंट इंजरी, आप कोई भी आपको जॉइंट इंजरी हुई हो लाइक कोई भी आपको जॉइंट इंजरी हुई या आपको लाइक, एंड द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक या फिर कोई भी आपको बोन डिफॉर्मिटीज, बोन डिफॉर्मिटीज लाइक जिनोवेलगम जिनोवेरम नॉक नीज वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, कई सारे कारण है जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, कई सारे कारण जिसकी वजह से विटामिन डी रिकेट से लाइक रिकेट से डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है रिकेट से हमें, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटी की वजह से ये चीज डेवलप हो सकती है। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज द ट्रीटमेंट, लाइक क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लाइक कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होगी जो हम करा सकते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट, लाइक ट्रीटमेंट्स डिपेंड्स ऑन ग्रेड, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस का कौन सा ग्रेड है, लाइक इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वन और टू तो वो आप फिजियो से हील कर सकते हैं, अगर इफ पेशेंट ऑन 3 और 4 देन आप सर्जरी है TKR उससे आपको जानना होगा, या फिर इसके सब इंजेक्शंस भी आते हैं लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, लुब्रिकेशंस के कोर्टिसोन वगैरह आप वो भी लगा सकते हैं, तो लाइक 1 और 2 तो फिजियो, एंड फिजियो में जो जो एक्सरसाइज होगी वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। लाइक दिस इज नी जॉइंट, जो हमारी अपर बोन होती है फीमर एंड लोअर टू बोन्स आर टिबिया एंड फिबुला, लाइक हमारे जॉइंट्स के ऊपर कवरिंग होती है कार्टिलेज की वो फट जाती है,
या तो वो फट सकती है या हमारे जो बीच में होते हैं साइनोवियल फ्लूइड एंड मेनिस्कस की मेम्ब्रेन होती है या वो फट जाती है या फ्लूइड कभी कभी फ्लूइड भी बाहर की तरफ प्रोस्ट्रूड करके निकल जाता है जिसकी वजह से हमारे नी पेन में घुटनों के दर्द की शिकायत आ सकती है। लाइक कभी कभी किसी पेशेंट को फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है पीछे की तरफ गांठी बन जाती है दैट इज कॉल्ड पोपलिटियल सिस्ट और बेकर सिस्ट। ये एक्सेसिव फ्लूइड प्रोडक्शन हो जाता है कभी कभी हमारे घुटनों में दर्द की वजह से तो पीछे की तरफ गांठ बन जाती है। उसका भी एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है इन सर्जरी है हमारे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे हम आराम से रिमूव करा सकते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू। मोस्टली पेशेंट्स को अंदर की तरफ पेन फील ज्यादा होता है बाहर से बिकॉज जो हमारा मिडिल कोंडाइल है फीमर का वो बड़ी होती है देन दैट ऑफ द लेटर। इस वजह से मोस्टली पेशेंट को अंदर की तरफ ज्यादा पेन फील होगा लाइक पेल्पेट करने से दबाने से